उपखंड नक्सलवाद क्षेत्र की समस्त समस्याओं को लेकर आज सभी विभागों की बैठक ली गई। उसमें उपखंड नक्सलवाद क्षेत्र की समस्त समस्याओं को लेकर आज सभी विभागों की बैठक ली गई। उसमें पेयजल को लेकर के ईएचईडी विभाग के एजेंट साहब को ये निर्देशित किया गया कि सभी जो भी पेयजल की पाइपलाइन है उनके लीकेज को वो सुधारें, उस जगह पर कोई वाटर लॉजिंग नहीं हो, दूषित पानी की सप्लाई नहीं हो, पानी का क्लोरिनेशन किया जाए और इसका वो पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा विद्युत विभाग वालों को भी यह निर्देशित किया गया है कि सभी जो विद्युत के पोल हैं उनमें किसी भी प्रकार का करंट प्रभावित नहीं हो, उनके नीचे पानी या कचरे का ढेर ना रहे, किसी भी प्रकार की जन या पशु हानि नहीं होनी चाहिए, सुनिश्चित किया जाए। सड़क के संबंध में पीडब्ल्यूडी के एजेंट साहब को भी निर्देशित किया गया है कि जितनी भी सड़कें जो टूट फूट चुकी हैं वो दुर्घटना रहित रहनी चाहिए, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का गड्ढे हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से भरवा दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना नहीं कारित हो, और कहीं पर भी सड़क पर अगर पानी भर रहा है तो उसकी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके जिससे यातायात सुचारू रूप से जारी रहे। शहर की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई, जिसके लिए कैंटोनमेंट के तरफ से जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए उनको ये निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण हटाने, साफ सफाई को करने और आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए सतत अभियान चलाया जाए ताकि शहर की यातायात व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे। कानून व्यवस्था के लेकर भी पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी जगह सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए लगातार बैठक लेते रहें और किसी भी प्रकार की कोई दुष्प्रचार नहीं हो उसको लेकर भी लोगों को पाबंद करें और सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के भी मीटिंग ली गई, जिसके क्रम में 1857 की क्रांति थीम पर 15 तारीख को नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके संदर्भ में भी सब विचार से विस्तार से विचार विमर्श किया गया और सभी को उसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो योजना एवं शक्ति योजना चलाई जा रही है, उसके लिए भी शिक्षा विभाग, महिला एवं अधिकारिता विभाग और अन्य सभी विभागों को यह निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर प्रत्येक मंगलवार को इसके लिए कार्यक्रम आयोजित करें और इसको योजना को सफल बनाएं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। मौसमी बीमारी से बचने के लिए भी लोगों को जागरूक रखें। सभी विभागों को यह निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र की पूर्ण निगरानी रखें, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कारित नहीं होने दें। धन्यवाद।